गांव में चिट्टा दिख ही रहा, आंदोलन भी चल रहा है, एसपी साहब साइकिल भी चला रहे, लेकिन वहां पे चिट्टा दिख रहा। उसके अलावा वहां पे हम लोगों ने शराब का ठेका बंद करवाया था सभी ग्रामीणों ने, तो वहां पे ठेका तो बंद हो गया, अवैध था वो, गौशाला की जमीन में था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि गाँव के अंदर कुछ लोग जो है शराब बेचने लगे, गाँव के अंदर घरों में शराब बेचने लगे। तो आज जो है चिट्टा और शराब दोनों को लेकर के डीसी साहब और एसपी साहब के नाम का ज्ञापन ढिंगसरा की माताओं की तरफ से और साझा प्रयास कमेटी की तरफ से, क्योंकि साझा प्रयास इसीलिए बना है, किसी भी गांव की कोई भी समस्या ड्रग्स से रिलेटेड होगी, शराब से रिलेटेड होगी, अगर वहां के लोग उससे मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उनके साथ कहीं भी प्रशासन शासन से मिलने के लिए जाएंगे। और आज वही हमने किया, उनको अवगत कराया और उसमें नाम दर्ज किया हमने कि ढिंगसरा। आपने कहा है कि सरपंच भी शराब बिका रही है? हाँ, ऐसा ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच की शाह पे सरपंच के इर्द गिर्द के लोग और सरपंच खुद भी जो है अवैध शराब गांव में बिकवा रहे। तो ये बात जो है बिना सरपंच के वरदहस्त के, हाँ बिना प्रशासन के वरदहस्त के अवैध शराब कैसे मिल रही है गाँव में? अगर शराब मिल रही है तो दो ही चीज़ है, एक प्रतिनिधि है और दूसरा पुलिस प्रशासन है, तो दोनों की मिली भगत है, इसीलिए बिक रहा। क्या शराब हर घर में बिक रही है? हर नहीं, हमने कुछ नाम चिन्हित किए हैं, नाम चिन्हित किए हुए हैं, उसमें 8-10 नाम आए हैं और उन 8-10 नामों को हमने दे दिया, सरपंच सहित नाम हमने 8-1 दिया है। गाँव में कभी छापामारी हो रही है आपके गाँव में? छापामारी अब तो ये प्रशासन बताएगा, कल हुई थी प्रशासन के ने छापामारी की, लेकिन हाथों हाथ छोड़ दिया ये, कि क्योंकि पहले ही पुलिस बता देती है, प्रशासन बता देता है कि हम तो छापा मारने आ रहे हैं और उसके बाद उसका असर जीरो हो जाता है। ढिंगसरा गांव में चिट्टा दिख ही रहा, आंदोलन भी चल रहा है, एसपी साहब साइकिल भी चला रहे, लेकिन वहां पे चिट्टा दिख रहा। उसके अलावा वहां पे हम लोगों ने शराब का ठेका बंद करवाया था सभी ग्रामीणों ने, तो वहां पे ठेका तो बंद हो गया, अवैध था वो, गौशाला की जमीन में था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि गांव के अंदर कुछ लोग जो है शराब बेचने लगे, गांव के अंदर घरों में शराब बेचने लगे। तो आज जो है चिट्टा और शराब दोनों को लेकर के डीसी साहब और एसपी साहब के नाम का ज्ञापन ढिंगसरा की माताओं की तरफ से और साझा प्रयास कमेटी की तरफ से, क्योंकि साझा प्रयास इसीलिए बना है, किसी भी गाँव की कोई भी समस्या ड्रग्स से रिलेटेड होगी, शराब से रिलेटेड होगी, अगर वहाँ के लोग उससे मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उनके साथ कहीं भी प्रशासन शासन से मिलने के लिए जाएंगे। और आज वही हमने किया, उनको अवगत कराया और उसमें नाम दर्ज किया हमने कि ढिंगसरा। आपने कहा है कि सरपंच भी शराब बिका रही है? हाँ, ऐसा ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच की शाह पे सरपंच के इर्द गिर्द के लोग और सरपंच खुद भी जो है अवैध शराब गाँव में बिकवा रहे। तो ये बात जो है बिना सरपंच के वरदहस्त के, हाँ बिना प्रशासन के वरदहस्त के अवैध शराब कैसे मिल रही है गांव में? अगर शराब मिल रही है तो दो ही चीज़ है, एक प्रतिनिधि है और दूसरा पुलिस प्रशासन है, तो दोनों की मिली भगत है, इसीलिए बिक रहा। क्या शराब हर घर में बिक रही है? हर नहीं, हमने कुछ नाम चिन्हित किए हैं, नाम चिन्हित किए हुए हैं, उसमें 8-10 नाम आए हैं और उन 8-10 नामों को हमने दे दिया, सरपंच सहित नाम हमने 8-1 दिया है। गांव में कभी छापामारी हो रही है आपके गांव में? छापामारी अब तो ये प्रशासन बताएगा, कल हुई थी प्रशासन के ने छापामारी की, लेकिन हाथों हाथ छोड़ दिया ये, कि क्योंकि पहले ही पुलिस बता देती है, प्रशासन बता देता है कि हम तो छापा मारने आ रहे हैं और उसके बाद उसका असर जीरो हो जाता है।